गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हुक्माराम, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज मैं आपके सामने इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर का जो 107 कोड नंबर सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसका एक टॉपिक है बिल्डिंग ड्राइंग, वो आज लेके आया हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि जो ये कोरोना नामक महामारी है, उसकी वजह से आप घर पे लॉकडाउन हो, और लॉकडाउन में घर बैठे बैठे आप लोगों का कुछ सिलेबस बाकी रह गया था जो क्लासेज में रेगुलर क्लासेज में नहीं हो पाया था, उसके लिए हम ये ड्राइंग के वीडियो लेक्चर आपके सामने लेके आ रहे हैं बना के। तो इनको आप जो भी आपके पास संसाधन अवेलेबल है, सीट है अगर मान लो तो ठीक है, नहीं तो वाइट पेपर, कोई सा भी वाइट पेपर या सिंपल कॉपी का पेपर और उस पर पेंसिल लेके इन ड्राइंग्स को आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए। तो हम कोशिश करेंगे वन बाई वन करके कि आपके जो बचे हुए टॉपिक्स है वो इन ई लेक्चर के थ्रू कवर हो जाए। उसी श्रृंखला में आज मैं आपके सामने इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक टॉपिक है बिल्डिंग ड्राइंग, वो लेके आया। बिल्डिंग ड्राइंग में दो कैटेगरी है आपके पास में, मैं उन दो के अलग अलग वीडियोज आपके सामने लेके आऊँगा। तो ये फर्स्ट जो है वो लेके आया हूँ मैं एक वॉल का क्रॉस सेक्शंस और फाउंडेशन, फाउंडेशन डिटेल के साथ उस वॉल का क्रॉस सेक्शन, वॉल का क्रॉस सेक्शन, क्योंकि आप सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं और भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो आपको क्रॉस सेक्शन, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं वो आगे फास्टनर्स वगैरह इसमें स्क्रू वगैरह है उनके क्रॉस सेक्शंस पढ़ते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के इसको पूरा आगे डिटेल में पढ़ते हैं, तो ये बेसिक सबके लिए कॉमन है, चाहे कोई सी भी ब्रांच का स्टूडेंट हो वो इन सबको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 107 ड्राइंग जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग वो सबके लिए कॉमन है। तो उसका टॉपिक अपन शुरू करते हैं। इसके लिए ये है आपका फाउंडेशन और क्रॉस सेक्शन डिटेल ऑफ ए लोड बियरिंग वॉल, एक लोड बियरिंग वॉल जिसकी फाउंडेशन और उसकी जो क्रॉस सेक्शन है उसकी डिटेल कैसे बनाई जाती है, आपको ड्राइंग के अंदर ये बना के प्रैक्टिस करना है तो ये कैसे बनाई जाती है उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले अपने को देखना होता है एक तो ग्राउंड लेवल फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब जैसे अपन कोई भी स्ट्रक्चर जब खड़ा करते हैं, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग के नीचे नींव जो खोदते हैं और फिर नींव में अपन पीसीसी करते हैं या लाइम कंक्रीट करते हैं या ग्रेवल डालते हैं, उसके ऊपर फिर सीसी करते हैं, सीमेंट कंक्रीट करते हैं, फिर उसके ऊपर फुटिंग्स होती है अपनी, फुटिंग्स जिसको कहते हैं अपन कि फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग, इस तरीके से होता है, फिर प्लिंथ वॉल होती है, उन सब की डिटेल है वो कहलाती है फाउंडेशन डिटेल। तो पहले अपन ये ए पार्ट है ये यहाँ पे मैंने लिखा है टॉपिक से शुरू कर रहे हैं। सी एस का मतलब क्रॉस सेक्शन ऑफ लोड बियरिंग वॉल शोइंग फाउंडेशन डिटेल, यानी फाउंडेशन डिटेल को दर्शाते हुए लोड बियरिंग वॉल का। लोड बियरिंग वॉल कौन सी होती है? ऐसी वॉल, ऐसी दीवार जो लोड लेती है। जैसे घर में अपने दो टाइप की वॉल होती है, एक होती है लोड बियरिंग वॉल और दूसरी होती है पार्टीशन वॉल। लोड बियरिंग वॉल मेन घर की दीवार है जिन पर अपना घर का सुपर स्ट्रक्चर जो है ऊपर स्लेब वगैरह उसका सारा लोड उन दीवारों पे टिका हुआ है, वो कहलाती है लोड बियरिंग वॉल, जो लोड लेती है अपने भार के अलावा। अपना भार तो लेती लेती है, साथ में कुछ और भार जैसे स्लेब का भार लेती है, तो वो कहलाती है लोड बियरिंग वॉल। और दूसरी होती है पार्टीशन वॉल, जो कोई अपने भार के अलावा कोई दूसरा भार नहीं लेती, वो कहलाती है पार्टीशन वॉल। तो ये इस तरीके से अपना है, और अपन लोड बियरिंग वॉल का देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन। तो सबसे नीचे से शुरू करते हैं क्रॉस सेक्शन को, सबसे नीचे से ये वाला नीचे जो पोर्शन है सबसे नीचे, ये है लेवलिंग कोर्स विद ग्रेवल। ग्रेवल के साथ अपन जब नींव को खोद देते हैं, अब नींव कितनी खोदते हैं वो कहते हैं डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है वो ये होती है पूरी, ग्राउंड लेवल के नीचे नीचे जितनी भी है वो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होती है। तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन दिखानी होती है आपको ग्राउंड लेवल से नीचे नीचे, फिर ये जो है अपनी ये कहलाती है लेवलिंग कोर्स। लेवलिंग कोर्स का मतलब ग्राउंड, क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, नीचे आपने खोद दिया तो उसको लेवल में करना पड़ेगा, उसके लिए अपन ग्रेवल डाल देते हैं, ग्रेवल या मुर्रम जिसको कहते हैं वो डाल देते हैं, जो 6 इंच का डालते हैं यानी 150 mm का, उसको अच्छे से इसकी कुटाई कर देते हैं, कॉम्पैक्शन कर देते हैं, उसके बाद अपन इसके ऊपर पीसीसी या सीसी सीमेंट कंक्रीट, या इसको प्लेन सीमेंट कंक्रीट भी बोलते हैं, 1-4-6 या 1-5-10 या 1-3-6 का भी डाल सकते हैं, 1-4-8, 1-3-6 या 1-5-10, ये इसका रेशियो होता है जो कि आप सेकेंड ईयर में आगे पढ़ेंगे कि ये रेशियो क्या होता है। अब ये अपने पास पीसीसी या सीसी हो गया जिसकी डेप्थ कितनी है 300, तो आपको यहाँ से शुरू करना है 900 mm। अब इसके लिए आप स्केल रेशियो क्या लोगे जब ड्राइंग करोगे, तो इसके लिए आपको जो स्केल रेशियो लेना है वो आपका 1:50 लेना है। 1:50 का मतलब आप 900 को है
वो किससे दिखा दोगे, 900 mm है तो डिवाइड बाई 50, यानी लगभग 50 डिवाइड करोगे तो 90/5 यानी 18 mm यानी 1.8 इसको खींच लोगे 1.8। और अगर इससे भी छोटा लगे तो आप स्केल रेशियो 1:25 भी ले सकते हो, 1:25 का मतलब ये फिर 3.6 खींचना पड़ेगा। तो आप ऐसे करना, इसको जब बनाते हैं साइन स्केल रेशियो है वो 1:25 ले लेना, 1:25 जब आप स्केल रेशियो लोगे या जिसको अपन कहते हैं रेफ्रेक्शन फ्रैक्शन, जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है वो ले सकते हो, आरएफ आप ले सकते हो 1/25, 1/25 ले लोगे उससे ये आ जाएगी, ये आपको खींचना पड़ेगा आपकी ड्राइंग में 3.6 सेंटीमीटर या 36 mm। फिर ये वाला जो है ये आपको खींचना पड़ेगा 4 mm, 4 mm ऊपर की तरफ लोगे इस तरीके से, फिर ये खींचना पड़ेगा 12 mm ऊपर की तरफ, ये हो गया PCC। अब इसके बाद में ये आती है अपने दीवार की फुटिंग, जो पहली फुटिंग, यहाँ से ब्रिक मेसनरी हो सकती है या स्टोन मेसनरी की हो सकती है। तो ये पहली फुटिंग इसकी आपको दी हुई है यहाँ पे 600 mm, जो विड्थ दी हुई है 600 mm, तो 6×24 यानी 4 से गुणा कर लोगे तो 24 mm, ये 24 mm आएगा। और हाइट इसकी कितनी रखोगे आप बनाते समय, यह हाइट रखोगे 8×4 है तो 4×4 16 mm। अब इसको कैसे शुरू करोगे, सबसे पहले यहाँ 3.6 बनाया, 6 mm ऊपर लिया, 6 mm ऊपर लिया, फिर ये क्लोज कर दिया, फिर इसी को आगे 12 mm ऊपर लिया, फिर क्लोज कर दिया, फिर यहाँ से ये अंदर लेना है। तो अंदर लेने के लिए देखो ये टोटल जो था ये 36 mm है, ये 36 mm है और ये 24 mm यानी 12 mm, तो 6 mm इधर से छोड़ देना, 6 mm इधर से छोड़ देना और फिर ये बना देना। हाइट कितनी लोगे, 4×4 16 mm। फिर वापस यहाँ देखोगे तो ये 20 mm है, ये 24 mm था, तो 2 mm कम हो गया, 2 mm इधर से 2 mm इधर से कम ले लो, तो ये जो है ये बन जाएगा। और अगर आप इसके इससे भी और इजी करना चाहें तो आप स्केल रेशियो जो है वो ले सकते हो आप 1:10, 1:10 का मतलब ये 900। तो फिर जैसा जैसा है एज इट इज आप बनाते जाओगे तो ये आपके लिए इजी रहेगा, स्केल रेशियो 1:10। तो आप ऐसे करोगे स्केल ले लेना 1:10, 1:10 का मतलब 10 का भाग देते जाना, तो 90 mm, 900 तो यानी 90 mm यानी 9 सेंटीमीटर, ये 15 mm यानी 1.5 सेंटीमीटर, ये 30 mm ऐसे खींच दोगे, ये ऊपर 40 mm ऐसे खींच दोगे, ये 60 mm यानी 6 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, जैसा ये एज इट इज है सिर्फ 10 10 का भाग देना है। तो इसके रेशियो आप ले लेना 1:10, 1:10, तो आप इजीली इसको खींच पाओगे 1:10 से जब इस स्केल को ड्राइंग को ड्रॉ करोगे। तो फिर ये हाइट ऑफ प्लिंथ, ये कहलाती है प्लिंथ वॉल, जो प्लिंथ वॉल है अपनी ये अपने ग्राउंड से ऊपर होती है और अपने फर्श से नीचे नीचे होती है। तो प्लिंथ यहाँ पे ये कितनी दी हुई है, हाइट ऑफ प्लिंथ यहाँ से आप लोगे तो 600, तो यहाँ से आप 600 का मतलब 6 सेंटीमीटर आप ऊपर की तरफ खींचोगे और ये 4 सेंटीमीटर ऊपर की ऐसे चौड़ा खींचोगे। फिर आपको ये बनाना है ये बेसमेंट, ये कितना दिया हुआ है 25 poly स्टोन फ्लोरिंग ओवर 100 mm cc बेड, ये 100 mm cc बेड है, 100 mm cc बेड है, 100 mm का मतलब कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का सीसी बेड बना दिया। फिर ऊपर आपको फ्लोरिंग करनी है 25 mm, 25 mm का मतलब 0.25 सेंटीमीटर या 2.5 mm, 2.5 mm ये खींच दो और ऊपर ये डैम प्रूफ कोर्स 20 mm यानी 2 mm, तो 2 mm का ये डैम प्रूफ कोर्स लग जाएगा। फिर वापस ये 300 mm की चौड़ी, तो 300 यानी 3 सेंटीमीटर की चौड़ी और फिर इसको ऊपर की तरफ बढ़ा दो, ये ऊपर अपनी मर्जी से ले सकते हो 2-3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऊपर लेके ये क्रॉस सेक्शन चलता जाए। तो यहाँ पे ये जो पूरी डिटेल है ये आपकी फाउंडेशन की डिटेल है, ये पूरी की पूरी फाउंडेशन की डिटेल है जिसमें अपन फाउंडेशन लोड बियरिंग वॉल की फाउंडेशन डिटेल शो करी, ये आपको अपनी एक सीट में प्रैक्टिस करके देखनी है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, सिंपल सा है, स्केल रेशियो इसके लेना है आपको इसको 1:10, स्केल जो है वो लेना है 1:10, मैं इसमें अभी आपके स्केल जो है वो दे देता हूँ 1:10, ये फिक्स हो गया आपका स्केल इसका 1:10, 1:10, तो ये 90 यानी 900 का मतलब 90 आ जाएगा, 10 का भाग देते 1/10 है ना, 1/10 तो 10 का भाग देते ये 900 डिवाइड बाई 10 90 यानी 90, तो 90 mm का ये खींचना है। इसी तरीके से बाकी सब ग्राउंड लेवल दिखाना है। फिर अपन आते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ लोड बियरिंग वॉल ओवर स्प्रिड फुटिंग, स्प्रिड फुटिंग के ऊपर लोड बियरिंग वॉल का क्रॉस सेक्शन यानी ये दीवार का खुद का क्रॉस सेक्शन, ये तो फुटिंग का था, ये तो फुटिंग का था फाउंडेशन का था और ये लोड बियरिंग खुद का, तो
तो फाउंडेशन का ये डिटेल सीधा सा 800, फाउंडेशन का कितना हो जाएगा 800। फिर ये इसमें आपको सीट काफ़ी लंबी चाहिएगी, अगर अपन ये 1:10 रखेंगे तो ये 2000 mm यानी 200 mm यानी 20 सेंटीमीटर खींचना पड़ेगा, और ये 33.3 सेंटीमीटर खींचना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, आपकी सीट में ये आ जाएगा। तो 1:10 लोगे आप, और अगर आप छोटा पेपर है आपके पास, सीट नहीं है, प्लेन पेपर है, तो आप इसको 1:100 भी ले सकते हो। 1:100 लोगे तो ये बहुत छोटा बन जाएगा, 8 mm, ये फिर 5 mm, ये 4 mm, ये 3 mm, ये 4 mm, और ये 4 mm, और ऐसे ही ये बन जाएगा। ये कितना है, 1.5 mm, ये वाला 1.5 mm, फिर 1.5 जोड़ के इस तरीके से ये बनाने हैं। यहाँ पे ये ग्रेवल भरे हुए हैं, सैंड और ग्रेवल फिलिंग, फिर उसके ऊपर 15 सेंटीमीटर थिक टाइल फ्लोरिंग, ओवर 100 mm थिक सीमेंट कंक्रीट बेड, ये सीमेंट कंक्रीट बेड नीचे वाला, और ये ऊपर टाइल फ्लोरिंग। तो जिनके पास बड़ी सीट है वो स्केल रेशियो ले लेना 1:100, जिसके पास इसके छोटी खाली कोई पेज में कर रहे हैं तो वो स्केल रेशियो ले लेना 1:100, जिनके पास पूरी सीट है वो स्केल रेशियो ले लेना 1:10 यानी 1/10, स्केल रेशियो 1/10, और जिनके पास छोटा पेज है सिर्फ सीट नहीं है वो स्केल रेशियो 1:100 ले लेना यहाँ पर। फिर ये डिटेल में क्या शो करेंगे, जैसे ये विंडो है, सॉरी डोर है, 2 फीट का है ना, 2 मीटर का ये डोर है, ये दीवार के अंदर डोर, डोर के ऊपर क्या लगा हुआ होता है अपना लिंटल, और लिंटल के बाहर ये लटक रहा है, ये कहलाता है सनसेट, सनसेट मतलब छज्जा, जो सूर्य की बचाने के लिए अपने को छांव रखती है वो सनसेट छज्जा। तो ये सनसेट ये कितना है, 600 mm बाहर की तरफ लेना है, और ये इस तरीके से 150 mm यहाँ से मोटा है, यहाँ से आगे कम हो जाएगा, इस 150 का 100 mm ही बच जाएगा, और फिर ये ऊपर लेके जाना। ये आपको दी हुई है यहाँ से 2000 mm, 2000 mm का मतलब अगर आपने 1:100 लिया है तो 20 mm आ जाएगा यानी 2 सेंटीमीटर, अगर आपने 1:10 लिया है तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो उस हिसाब से आपके स्केल रेशियो आपको लेना है। फिर ये 3300 तक यहाँ ये वाली जो है ये अपने पास छत आ गई, देखो ये अपने फर्श है जहाँ पर अपन खड़े होते हैं फर्श के ऊपर, और ये अपनी छत है जो ऊपर वाला छत का नीचे से पोर्शन जो अपने को कमरे के अंदर खड़े होने पे दिखता है, तो ये छत का पोर्शन है। और ये RCC रूफिंग ये 120 सेंटीमीटर थिक है, इसकी मोटाई कितनी है 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर का 20 mm का मतलब 120 mm यानी अगर आपने 1:10 लिया तो 12 mm का हो जाएगा, 1:100 लिया तो 1.2 mm का हो जाएगा। फिर ये ऊपर है, ये है वेदर रूफ कोर्स 20 mm थिक, ये रूफ कोर्स मतलब वेदर रूफ कोर्स यानी जैसे बारिश वर्ष आती है तो बारिश के पानी से बचने के लिए 20 mm का रूफ कोर्स अपन यहाँ पे लगा देंगे, और 20 mm का मतलब अपने स्केल रेशियो के हिसाब से आपको चेंज करके ड्राइंग में बनाना है। और ये पैरापिट वॉल जो ऊपर अपने होती है ना, पैरापिट वॉल करके बाहर ताकि बच्चे गिर नहीं जाए छत से नीचे, तो ये जो पैरापिट वॉल है इसकी थिकनेस रखनी है 100 mm थिकनेस यानी 10, अगर 1:10 लिया तो। और ये उसके ऊपर कोपिंग की हुई है दीवार के ऊपर 50 mm by 50 mm की कोपिंग की हुई है, और इसकी हाइट कितनी रखनी है 650 mm, और इस पैरापिट वॉल की थिकनेस कितनी है 100 mm, ये अपने को ध्यान रखना है। ये लिखा वॉल इन सुपर स्ट्रक्चर 300 mm थिक, इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है 300 mm थिकनेस है, तो 1:10 ले रखा है यानी 30 mm, 30 mm का मतलब 3 सेंटीमीटर, और अगर 1:100 ले रखा है तो सिर्फ 3 mm आ जाएगी। इस तरीके से मैंने सारी चीज़ आपको बताई। ये डैम प्रूफ कोर्स है 50 mm का, तो यहाँ डैम प्रूफ कोर्स अपने 50 mm लगा देंगे, और ये बाहर की तरफ प्लिंथ प्रोटेक्शन होता है, ये जो होता है ये क्या कहलाता है, प्लिंथ प्रोटेक्शन, ताकि प्लिंथ खराब नहीं हो। तो ये 300 mm का पहला स्टेप, 300 mm ऐसे चलना है या यहाँ से चल सकते हो नीचे से, ये 300 mm, फिर 150 छोड़ के 150 नीचे लेना है, फिर 300, फिर 150 नीचे लेना है, फिर 300, और फिर नीचे पहुँच जाना है, यहाँ प्लिंथ के जस्ट नीचे से शुरू कर देना है, इस तरीके से चलते चलते अपने को नीचे तक जाना है। और ये नीचे प्लिंथ के नीचे यहाँ पे ये PCC करनी होती है, ये 150 mm चौड़ी, और कम से कम इससे ये जो पोर्शन है इससे 150 mm बाहर रखनी है, 150 mm ऐसे, और यहाँ से 150 mm ही बाहर की तरफ, तो ये अपने पूरा सेक्शन कंप्लीट होगा। इस तरीके से ये 2 सेक्शन आपको बनाने, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बिल्डिंग ड्राइंग का। ये था अपने पास जो बियरिंग वॉल है, लोड बियरिंग वॉल है, उस वॉल का खुद का क्रॉस सेक्शन, ये वॉल का खुद का क्रॉस सेक्शन था ये वाला, और ये उस वॉल की फुटिंग का क्रॉस सेक्शन था, ये कोई फुटिंग है किसी भी दूसरी वॉल की, इस वॉल की नहीं है, किसी दूसरी वॉल की फुटिंग है उसका क्रॉस सेक्शन है, और ये एक वॉल का क्रॉस सेक्शन है जो किसी फुटिंग के ऊपर बनाई गई, तो ये साथ में फुटिंग भी आ गई, और ये खुद वॉल का क्रॉस सेक्शन बना रखा है कि वॉल का क्रॉस सेक्शन कैसे अपन बनाएंगे। तो वॉल का क्रॉस सेक्शन ये दरवाजा हो गया बीच में डबल लाइन से, ऐसे ही विंडो होती है तो विंडो यहाँ से शुरू हो जाती, और ये जो नीचे हैचिंग है
ये नीचे भी हो जाती, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे दीवार नहीं है, ये क्या है, डोर लगा हुआ है, तो पूरे में नहीं आया, हैचिंग ऊपर की तरफ आ गई, ऐसी ये हैचिंग आ गई। और यहाँ ये इस तरीके से ये हैचिंग करनी अपने को ज़रूरी होती है डबल लाइन से। अगर यहाँ विंडो होता तो ये यहाँ तक ही होता, नीचे हैचिंग हो जाती, लेकिन अपने यहाँ डोर है तो डोर ही आपको दिखाना है। तो जैसे ही ये बना रखा है एज इट इज, आपको ऐसा ही अपनी एक सीट में बनाना है, ये सीट में आपको बनाना है। ड्राइंग सीट है तो बहुत अच्छी बात है आपके पास, अगर आप घर चले गए हों, आपके पास ड्राइंग सीट नहीं है या कोई ड्राफ्टर नहीं है, तो भी आप स्केल से इसको बना सकते हो। स्केल पेंसिल ये तो आपके पास कहीं ना कहीं मिले जाएंगे, ये बहाना नहीं चलेगा कि सर हमारे पास तो कुछ ही नहीं था पेन पेंसिल स्केल, ऐसा नहीं हो सकता, असंभव बात है। तो पेन पेंसिल जैसा भी आपसे है और जो भी आपके पास है, वाइट पेपर है तो वो बनाओ, स्केच बुक आपके पास है तो वो बनाओ, वो आपके घर पर ही रहती है, स्केच बुक में बना लो। वो भी नहीं है तो किसी प्लेन पेपर पे बना लो, वो प्लेन पेपर भी नहीं है तो कोई भी किसी कॉपी में आप ये चीज़ बना लो, दोनों का अलग अलग बना लो, इसको अलग पेज में बना लो, इसको अलग पेज में बना लो, ये दोनों आपको कंप्लीट बनानी है। तो मुझे लगता है ये मैंने पूरा एक्सप्लेन आपको कर दिया है, आप इसको अच्छे से देखिए। और अगला नेक्स्ट जो लेक्चर है वो मैं लेके आऊँगा, वो बिल्डिंग का प्लान होगा जिसमें एक रूम और एक टॉयलेट, जो यानी वन रूम सेट जो होता है घर, उसका अपने को प्लान, उसमें तीन लेक्चर बनेंगे अपने पास, एक प्लान का, एक एलिवेशन का, एक सेक्शन व्यू का। तो तीनों हैं आपके, सेक्शन प्लान है, एलिवेशन और सेक्शनल व्यू, उनका तीन लेक्चर में अपन उसको कंप्लीट कर लेंगे, और एक ये वाला है। तो ये बिल्डिंग ड्राइंग अपने चार लेक्चर में कंप्लीट होगी, तो इनको आप अच्छे से देखिए और इसको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। थैंक यू वेरी मच।